तो अभी हम जा रहे हैं पैराडाइज बीच और बाइक मैंने अपना यहीं छोड़ दिया है। अभी हमने स्कूटी ले लिया है। बाइक का जैसा मैंने मेंशन किया था डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बाइक को लेकर के जाना मेरे को सेफ नहीं लग रहा है। तो अभी हम पैराडाइज बीच पहुंच चुके हैं और ये जहां पे हम रुके हुए हैं उससे लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है और बारिश भी नहीं हो रही है तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। दूर अगर आप देखें तो नाव का एक अच्छा खासा झुंड नजर आ रहा है जो कि अपने आप में एक बहुत ही मनमोहक दृश्य पैदा कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग पैराडाइज बीच से वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 1.5 घंटा वक्त बिताया है और बहुत तेज़ प्यास लगी थी तो अभी हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है पीने के लिए, लेमन सोडा। हमारे कुछ दोस्तों ने समंदर में थोड़ी डुबकी भी लगाई है, थोड़ा समंदर के पानी के साथ इंजॉय किया है। तो अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे कुछ डोसा इडली थोड़ा जो भी मिल रहा है वो अभी थोड़ा खाएंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। यहाँ से भी समंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था जो कि आप ब्लॉग में देख ही रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अच्छे कंटेंट और कुछ अच्छे फ़ोटो भी हम लोगों ने शूट किए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाएंगे थोड़ा बहुत और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और चूंकि हम लोग पौंडीचेरी पहली बार आए हैं, सभी लोग पहली बार पौंडीचेरी आ रहे हैं, तो जब भी आप पहली बार किसी शहर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और आपकी इच्छा होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है एक्सप्लोर कर सकें। और दोबारा जब आप उसी सिटी में दोबारा जाते हैं तो बहुत कम ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर जाना चाहिए और नयापन वहाँ पर फील होता है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से जगह हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन समंदर का नज़ारा तो हर वक्त एवरग्रीन होता है, तो आप जब कभी भी आइए तो हमेशा आप समंदर का नज़ारा नया जैसा प्रतीत होगा। तो अभी हम लोग का प्लान ये है कि अभी हम लोग अरिका मेडो, एक जगह है पौंडीचेरी में जो कि ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है, प्राचीन इतिहास रहा है। अभी हम लोग को जो भी खाना पीना था हम लोगों ने खा लिया है और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अरिका मेडो के लिए डायरेक्ट, और जो कि यहाँ से दिखा रहा है आधे घंटे का रास्ता है। तो सर हमारे रास्ते में ही पड़ेगा जिधर से हमारा होटल है, तो यहाँ से और हमारे होटल के बीच में कहीं ये जगह है, उसके बाद अपना चर्च जाने का प्लान है। तो चलिए आपको भी अरिका मेडो घुमाते हैं और देखते हैं कि 2000 साल पुराना है। वैसे देख मैंने मेरे को पता नहीं एक डेटा गलत है या सही है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे दिखा रहे हैं कि 2000 साल पुराना ये प्राचीन इतिहास का बहुत ही जाना माना बंदरगाह हुआ करता था जहाँ पे चोल वंश और रोम सभ्यता के बीच व्यापार हुआ करता था। तो चलते हैं देखते हैं कैसी जगह है। और ये 1940 में इसकी खुदाई के दौरान इसका पता चला था। तो चलिए चलते हैं। बाइक अपना रेडी है और बाइक तो मैं लाया नहीं हूँ, मैं लाया हूँ अपना यार स्कूटी कहाँ गया। हाँ स्कूटी, तो हम लोग जाएंगे स्कूटी से और एक बाइक है, तो चलिए निकलते हैं। दूर से देखिए समंदर का नज़ारा कैसा दिखता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मज़ा आ गया भाई साहब। यहाँ पर हवा बिल्कुल ठंडी ठंडी चल रही है, धूप है थोड़ी तेज़ है लेकिन हवा में बिल्कुल ठंडक है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे इतना पुराना है, 2000-2500 साल पुराना है, आइए इसको नजदीक से देखते हैं। नहीं आप क्या बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा तो हमारे यहाँ घर ईंटा का मकान बन जाता है, हैं? फिर इतनी जो भी है इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन हमारे इतिहास की धरोहर है तो इसका कद्र करना चाहिए। और ये है अरिका मेडो जो कि एज पर रिकॉर्ड इसको बोला जा सकता है कि 2000 साल पुराना है।
और यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आप देख सकते हैं तो मतलब एक तरीके से ये धराशायी हो चुका है ये जगह। लेकिन फिर भी अगर आप इतिहास से लगाव रखने वाले हैं और आपको हिस्ट्री पसंद है तो यहाँ पे आइए आप, और एक आप अलग तरीके का लगाव महसूस कीजिएगा। बंदरगाह हुआ करता था कभी ये जगह, जहाँ पे रोम और चोल वंश के राजाओं के बीच व्यापारिक लेन देन हुआ करते थे। तो इसको 1940 में इसको खुदाई के दौरान इसका पता चला था, और तब से इसको एज ऐतिहासिक धरोहर इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि है क्या यहाँ पे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एक बहुत ही मतलब बोरियत जैसा आप महसूस कीजिएगा। लेकिन बोरियत क्या, यहाँ पे अगर आएंगे आप तो बड़ा शांति है, ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा लोग भी यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा अगर आप शांत वातावरण की तलाश में हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और थोड़ा सा वक्त आप यहाँ पे बिता सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा चिल मारेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। मेरे दोस्त लोग बड़े मायूस हैं यहाँ पे आ करके कि यहाँ पे कहाँ पे आ गए। ऐसा तो हमारे गांव में ईंटा जोड़ जोड़ करके लोग पिलर खड़ा कर देता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई लोग, यहाँ पे पीपल का पेड़ है, शांति है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे साइड हमारे स्टेट में नालंदा यूनिवर्सिटी है अभी, वो भी 1000-2000 साल पुरानी है। कभी आप लोग विजिट कीजिएगा, बिहार साइड नालंदा है। अच्छा, और नालंदा में हाँ, तो भाई साहब नालंदा भी जा चुके हैं कई बार और उनको वहाँ का जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा लगा है। अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में है, नहीं बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरे को वहाँ पे जाने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं उस जगह को इस जगह से कंपेयर नहीं कर सकता उसकी खूबसूरती। लेकिन हाँ, मेरे को पता है तो अच्छी जगह है नालंदा यूनिवर्सिटी, आप जाइए, अद्भुत ही है अभी तक तो। और अद्भुत सार्केस्टिक वे में भाई साहब बोल रहे हैं कि अद्भुत जगह है, लेकिन मन ही मन बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं इस जगह से। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे बड़ा शांति, अगर आप शांति की तलाश में पांडिचेरी में तो यहाँ मत आइए, कहीं और जाइए, समुद्र के किनारे जाइए। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताया जाएगा और ठंडी ठंडी हवा चली, और पीपल का पेड़ जो है। पांडिचेरी में आइए आप लोग, तो वन नाइट बियर बार में जरूर जाइए। भाई साहब को अभी बियर बार में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे को कल से बोले जा रहे हैं चलते हैं, लेकिन अभी बियर वियर पीने का बिना हम जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। भाई ये एडिट करेंगे, ये नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ भाई आ जाओ। हाँ, तो पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे आप कहीं भी चले जाइए, जो ठंडी ठंडी हवा का जो अनुभूति आपको प्राप्त होती है उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कितने भी थके हों आप, पीपल के पेड़ के नीचे जाके सो जाइए, बहुत ही शांति मिलेगी। और यहाँ पे आने का मेरे को लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि हम लोगों ने भी देखा है, उसके अलावा ये यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताएंगे, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर निकलने का प्लान है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलें, कौन सा चर्च था भाई? अरे हैंडी प्लस भाई देव चर्च का नाम क्या? बेसिलिका चर्च, पता नहीं जो भी है चर्च, कुछ अच्छा सा चर्च है यहाँ पे पांडिचेरी में, तो उसको हम लोग अभी चलेंगे। आपको उस चर्च के बाद, वो भी काफ़ी पुरानी है, तो उस चर्च के बारे में भी हम आपको बताएंगे वहाँ जाने के बाद। अभी उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो सर्च करेंगे गूगल पे और फिर आपको भी जानकारी देंगे। तो एक बार चारों तरफ से हम आपका इसका नज़ारा दिखा देते हैं, ठीक है, जो भी है जगह। कुल मिला करके हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया है, और अभी अपन लोग प्लान करेंगे यहाँ से निकलने के लिए। तो आप थोड़ा हवाओं को महसूस कीजिए, हवाओं का शोर महसूस कीजिए, और अरिका मेडू का एक बार और आप नज़ारा लीजिए। आपको इतना डिटेल में इस जगह के बारे में उतनी जानकारी है नहीं, तो बस जंपसंस के आधार पर ही बता सकते हैं क्या है और क्यों रहा होगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं सेक्रेट हार्ट बेसिलिका, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं बेसिलिका, सेक्रेट हार्ट जीसस
से कटा है। बहुत टेम्परेचर है भैया, बहुत टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत है। और हम लोग अभी रेत पे चल रहे हैं, रेत पे टेम्परेचर है लेकिन हवा जो है ठंडी है, तो एक तरीके से ज़्यादा ह्यूमिडिटी आप नहीं बोल सकते हैं। सूरज की रोशनी जो है बहुत तेज है और जो भी गर्मी लग रही है बस सूरज की रोशनी की वजह से, लेकिन हवा में ठंडकपन, आई मीन हवा में ठंडी है, हवा में ठंडकपन है, क्या होता है यार? हाँ सही है, सही है, सही है। हवा ठंडी है। अच्छा सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, बस मैं एडिट कर दूंगा तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो अभी हम लोग द सेक्रेड हार्ट बेसिलिका के सामने खड़े हैं और देखते हैं क्या खूबसूरती है इस जगह की अंदर जा कर के। तो अभी फाइनली मेरा स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो गया, मैंने अभी कुछ ज़्यादा लिया नहीं, तो 32 GB का मेमोरी कार्ड लिया है, तो बाद में देखते हैं अगर जो भी आउट ऑफ स्टोरेज हुआ तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी काम चलाने के लिए 32 GB काफ़ी है, तो अभी मेरा काम हो गया और मेरे फोन का जो सपने का प्रॉब्लम था अभी दूर हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मार्केट थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं अगर सेल्फी स्टिक मिलता है तो सेल्फी स्टिक भी लेना है और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं व्हाइट टाउन मार्केट। ये मेरा बाइक लगाया जाए यहाँ पे, थोड़ा सा अभी हम लोग घूमेंगे और फिर जो है कुछ शॉपिंग करेंगे अगर मूड हुआ तो, वरना अभी तो बस घूमने का इरादा है।